छत्तीसगढ़ में संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बुढ़ा देव की, दंतेश्वरी माता की, दंतेश्वरी माता की, सब जनता को जय जोहार। लोकप्रिय सांसद कांकेर सी मोहन मांडवे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सतीश लाठिया जी, भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री गौतम वेद जी, पूर्व विधायक श्री देवलाल दुग्गा जी, श्रीमती सुमित्रा मारकोले जी, विधानसभा प्रभारी श्री राजाराम तड़ेन जी, श्रीमती पिंकी दुरुसा जी, श्रीमती साजनी राजपूत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, माता कौशल्या की जन्मभूमि और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की धरती को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या के प्रदेश उत्तर प्रदेश से आपके बीच में आया हूं और एक महत्वपूर्ण संदेशा लेकर के आया हूं कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होने जा रहा है। जनवरी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति को स्थापित करने का कार्य संपन्न होगा और आप सब जानते हैं कि यह अवसर होगा देश के अंदर राम राज्य की स्थापना की घोषणा का। राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, हर दलित, हर वंचित, हर आदिवासी, हर वनवासी, हर गिरिवासी, हर एक उस व्यक्ति को जो आजादी के बाद से वंचित है उस तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का। और इस दृष्टि से ननिहाल में कोई कमी न रह जाए, इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से इस बस्तर में मैं आया हूं। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान ने संकल्प लिया था, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। उन्होंने एक संकल्प लिया था उस समय और भगवान ने एक ही संकल्प लिया था, जब तक इन निशाचरों को, इन राक्षसों को मैं समाप्त न कर दूं, तब तक ये मेरा संकल्प है कि चैन से नहीं बैठूंगा। और आज आप सभी बंधुओं से मेरा आह्वान होगा, हम सब छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है,
एक सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, लोकतंत्र के इस व्यवस्था में यह अधिकार आपके हाथों में है। अगर आपने सत्ता सौंपी है तो कान पकड़ करके उसको सत्ता से बाहर भी करिए, अगर वह आपके हितों पर कुठाराघात कर रहा है तो। और कांग्रेस ने तो यही किया है, एक कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है झूठ बोलना, बहकाना, एक एक प्रकार सत्ता हड़प लेना। और सत्ता जब प्राप्त हो जाए तो प्राप्त होने वाली सत्ता को भ्रष्टाचार का अड्डा बना देना। आश्चर्य होता है हमें, पहले केवल माइनिंग का आरोप लगा था और माइनिंग के भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था, लेकिन अब माइनिंग के बाद यहां पे विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई और इस शिकायत अब यहां तक पहुंच गई है कि भाइयों बहनों, इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया। अब याद करिए, यानी गाय का गोबर भी 10 रुपए किलो के हिसाब से 1300 करोड़ रुपए हड़प ले, और 1300 करोड़ रुपए हड़प ले, पता लगा गाय का गोबर कहां से खरीदे थे, जहां गाय थी ही नहीं, और गोबर के बदले मिट्टी भर करके भेज दिया गया। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, यह सरकार धोखा कर रही है यहां के नागरिकों के साथ, यहां के वनवासियों के साथ, यहां के आदिवासियों के साथ, यहां के बंधुओं के साथ, यहां के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ, यहां के किसानों के साथ, यहां के युवाओं के साथ। इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इस सरकार ने अपने घोषित एजेंडे के तहत छत्तीसगढ़ में रामनवमी के जुलूस पे लाठीचार्ज करवाती है, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाने देती है, लेकिन दूसरी तरफ लव जिहाद के लिए वर्ग विशेष के उपद्रवियों को प्रोत्साहित करके संरक्षण भी देने का काम करती है। लव जिहाद धोखे से हिंदू बालिकाओं के साथ छल और कपट करके बहकाने का प्रयास। उत्तर प्रदेश में हमने कानून बनाया, अगर कोई दुस्साहस करता है कानून के शिकंजे में कस करके उसको पूरी तरह तेल निकाल दिया जाता है उसका। भाइयों बहनों, हमें आश्चर्य होता है यहां की सरकार धर्मांतरण की अनैतिक गतिविधियों को प्रश्रय देती है, भोले भाले गिरवासी वनवासी आदिवासियों को बहका करके उन्हें अपनी व्यवस्था के खिलाफ भड़काने का कार्य करती है। और भाइयों बहनों, उन्हें सुविधाओं से वंचित करके बहकाने का जो पाप यहां की सरकार कर रही है, यह अक्षम्य पाप है। आप याद करिए, जिन बंधुओं ने हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम के साथ खड़े होकर के उस समय इस पूरे क्षेत्र को राक्षस बीन किया था, आज उन बंधुओं के साथ छल, ये तो भगवान के साथ छल करने जैसा है। और इसीलिए आज मैं आपका अवमान करने के लिए आया हूं। एक कांग्रेस एक तरफ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है।
रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, अराजकता फैला रही है, राम भक्तों को लाठी चार्ज करवाती है, तो दूसरी ओर इस सरकार के द्वारा लगातार यहां के लोगों को, यहां के नागरिकों को विकास की योजनाओं से वंचित करने का पाप भी किया गया। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको हर घर नल से जल मिला? यहां जल मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको आश्वस्त कर रही है टोटी से जल, नल से जल पहुंचाने का काम हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी का वायदा है, प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। उत्तर प्रदेश में आप याद करिए, अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ लोगों को हर घर में नल की सुविधा से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं, आरओ का पानी पहुंचा चुके हैं। बुंदेलखंड में आप जाइए, देखिए हर घर में पानी पहुंच गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में यहां की सरकार नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो पैसा दिया जाता है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आवास भेजे, आवास मिला क्या आप लोगों को? आप याद करिए, 16 लाख आवास छत्तीसगढ़ के लिए थे, पैसा हड़प लिए। उत्तर प्रदेश में हमने इस दौरान 55 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। भाइयों बहनों, 55 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर करेगी। भैया बहनों, आज यहां का गरीब पूछता है और यह प्रश्न बार बार कर रहा है कि हमन ला तो नहीं मिलिस, आप लोग मिलिस का? आप लोग मिलिस का? नहीं मिलिस ना। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह मिले इसके लिए भाजपा आवश्यक है, इसके लिए भाजपा आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस देगी नहीं। आज तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को कहा है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान का क्रय और 3100 रुपए